नमस्कार, ऐसे सुविधा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार तिवारी। मित्रों, एक बार पुणे में रतनगढ़ पहुंचा हूं। रतनगढ़ लोहा के बीच मेरे मित्र के बारे में, जैसा अभी आपने एक प्रोग्राम देखा, सुरेंद्र जी कटेवा, जिनको हर व्यक्ति ने कहा कि निश्चित रूप से ये एक साधारण इंसान नहीं है, कंप्यूटर है, जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, कहा जा सकता है कि बाप रे बाप, बच्चे भी टॉप। मतलब ये तीनों बच्चे आप देख रहे हैं, ये तीनों सुरेंद्र जी कटेवा के हैं, तीनों सातवीं क्लास में पढ़ते हैं। अब आप सोचेंगे कि तीनों अलग अलग उम्र के सातवीं में क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे सुरेंद्र जी से बातचीत के दौरान। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सुरेंद्र जी का जितना दिमाग तेज चलता है, उतना तेज़ दिमाग इन बच्चों का भी चलता है, क्योंकि एक पिता ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार किया है। फिलहाल घर के अंदर जो मैदान बना है, वहाँ पर ये बच्चे सुबह सुबह क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर एक माता पिता चाहें तो बच्चों को कितने अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं, कैसे बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। और निश्चित रूप से सुरेंद्र जी की सोच है वो कमाल की है, पिछले कार्यक्रम में भी देखा। और आज मैं सुरेंद्र जी के साथ उनके बच्चों से भी मिलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि उनका दिमाग भी कंप्यूटर से तेज चलता है। फिलहाल सुबह सुबह बच्चे आप देख रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि खेलना सबसे ज़रूरी है। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग काम करता है। अगर आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे तब उनका दिमाग अच्छा चलेगा, तब अच्छी पढ़ाई करेंगे। और बच्चों को आपने पहले देखा कि इन्होंने यहाँ पर एक ट्रैक बना रखा है, एक आर्मी तैयारी के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं बना रखी हैं। और ये सारी चीज़ें आज मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये विशेष हैं, नाम ही विशेष नहीं है, ये रियल में विशेष हैं। आपको अभी हम दिखाएंगे क्यों है विशेष। और ये देखिए, बड़े तकड़े शॉट मारते हैं। ये घर में क्रिकेट का मैदान उन्होंने बना रखा है। ये गौरव कटेवा है जो सबसे छोटे हैं, लेकिन पढ़ते तीनों सातवीं क्लास में हैं। ये चौंकाने वाली बात है। पीछे विकेट कीपिंग तनवीर कर रहे हैं और विशेष खेल रहे हैं। इस दिमाग के लिए एकाग्रता जरूरी होती है और एकाग्रता का परिचय यहाँ पर आप देख रहे हैं, गौरव दे रहे हैं। देखिए, एकदम पतली सी पाइप है जिसके ऊपर ये चल के दिखा रहे हैं। और ये एकाग्रता का खेल है और तेज़ याददाश्त के लिए एकाग्रता ज़रूरी है। तनवीर और विशेष दोनों आप देख रहे हैं, ये चल के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये बचपन से ही आर्मी की तैयारी करवाई जा रही है। ये विशेष है, ये सबसे छोटे गौरव। फिजिकली कितने फिट है बच्चे आप देख सकते हैं। फिजिकली बच्चों को फिट रखने के लिए सब करवाया जाता है। और देखिए, नीचे कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि सुरेंद्र जी को विश्वास अपने बच्चों पर। सुरेंद्र जी कटेवा खुद अपनी देखरेख में इन बच्चों को ये सारे प्रशिक्षण देते हैं। अब इसे इस पाइप पे चढ़ के दिखा रहे हैं, बिल्कुल चिकना पाइप है ये। ये देखिए, पूरा परिवार बच्चों का बहुत ध्यान रखता है। ये देखिए, तनवीर भी कम नहीं है। तीनों ही बच्चे फिजिकली फिट हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है सुरेंद्र जी के निवास स्थान पर। और अब हम खेत में चल रहे हैं। ये गणेश राम जी भगत का मंदिर है, सुरेंद्र जी ने अपने निवास स्थान पे ही बनवा रखा है। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। आइए, भगत जी के दर्शन आपको करवाते हैं आज। बच्चों के पढ़ने के लिए जनरल नॉलेज की सारी किताबें सुरेंद्र जी उपलब्ध करवाते हैं। बच्चों की बहुत सारी न्यूज़ ही आप देख रहे हैं। तीसरी कक्षा के तनवीर ने 1.5 घंटे में 1000 जीके सवालों का फटाफट दिया जवाब।
बच्चों ने अनेक पुरस्कार जीते हैं और ये वो न्यूज़ है जो आप देख चुके हैं। 290 सेकंड में 747 जिलों के नाम आपने सुने। ये बच्चों की न्यूज़ हैं जो बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। और ये तीनों बच्चों की न्यूज़, 6 से 9 वर्ष की उम्र में तीन भाई गौरव, तनवीर और विशेष जीके के 3000 सवालों के देते हैं फटाफट जवाब। दिनेश एमएन के साथ सुरेंद्र जी को आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक अधिकारी है और ऐसे लोगों से दोस्ती रखते हैं सुरेंद्र जी। देखिए जो संदेश देते हैं सुरेंद्र जी वो देखिए, वक्त बीत जाने के बाद एहसास होता है कि पापा हर बात सही बोलते थे, क्योंकि एक पिता हमेशा बच्चों के लिए अच्छा चाहता है और वो चाहता है कि बच्चे उनसे ज़्यादा बड़े बने, महान बने। ये गणित के चिन्ह हैं जिनसे आप सब कुछ आगे जाकर कर सकते हैं। ये वो संदेश हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं। और ये देखिए एक पेड़ की कीमत दर्शाती है यह तस्वीर। देखिए पेड़ के नीचे कितने सारे लोग बैठे हैं छांव में और खुद वृक्षारोपण करते हैं। बहुत सारे पेड़ इन्होंने अपने खेत में भी लगा रखे हैं। बच्चों के कक्ष में ब्लैक बोर्ड लगवा रखा है इन्होंने। ये देखिए सुरेंद्र जी अपने बच्चों की उपलब्धि बता रहे हैं यहाँ पर। बहुत से अवार्ड बच्चों ने जीते हैं अपने जनरल नॉलेज से। मित्रों मैं आज पुणे रतनगढ़ तहसील के लोहा गांव के करीब हमारे मित्र सुरेंद्र जी कटेवा के निवास स्थान पर आया हूं। मैंने एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें सुरेंद्र जी कटेवा ने एक विश्व कीर्तिमान बनाया था। हालांकि ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा, क्योंकि 600 कमेंट आए थे जिनमें अधिकतर लोगों ने सुरेंद्र जी कटेवा को जीनियस बताया था, किसी ने कंप्यूटर बताया था, किसी ने कहा कि ये बंदा तो कमाल है और निश्चित रूप से अविश्वसनीय था, क्योंकि एक व्यक्ति एक कविता को पूरा याद नहीं कर सकता है और अगर कोई व्यक्ति 253 सेकंड में देश के 747 जिलों के नाम एक सांस में बता दे तो ये किसी कमाल से कम नहीं है। लेकिन कमाल केवल बाप नहीं है, कमाल बेटे भी है और मैं इसको साबित करने वाला हूँ। मेरे साथ सुरेंद्र जी कटेवा के तीनों बच्चे इस समय हैं, सबसे पास में बैठे हैं विशेष। ये केवल नाम के विशेष नहीं है, वास्तव में विशेष है। उनके पास में बैठे तनवीर बैठे हैं और उनके पास बैठे हैं गौरव। और ये परिवार हमारे राजस्थान का गौरव है, किसान परिवार। और अगर कोई व्यक्ति 8वीं तक पढ़ा है और पढ़ाई के प्रति इतना गंभीर है कि बच्चों को कुछ बनाना चाहता है और खुद भी मतलब इतने वर्षों तक पढ़ा है, छोड़ने के बाद में खुद परीक्षा दे रहा है और कुछ बनना चाहता है, तो हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा की बात है। और मैं अब बातचीत करने वाला हूँ सबसे पहले विशेष से और बताने चाहता हूँ विशेष कैसे विशेष है। अभी आप देखेंगे सुरेंद्र जी इनसे सवाल करेंगे, ये हमारे देश के तमाम केंद्रीय मंत्रियों के नाम बताएंगे, ये पूछेंगे और तुरंत इनका जवाब देंगे विशेष जी। सुरेंद्र जी आप सवाल शुरू कीजिए। जैसे बेटा अंतरिक्ष व परमाणु विभाग मंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रसायन उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक मंत्री रामविलास पासवान, कृषि ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कानून संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल, सामाजिक न्याय मंत्री धावरचंद गहलोत, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, और मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, और महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती जुबिन रानी, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, पर्यावरण वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी, कौशल विकास मंत्री महेंद्रनाथ पांडे, भारी उद्योग मंत्री अरविंद गढ़पा सावत, पशुपालन डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह, और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आपने सुना हमारे देश के तमाम केंद्रीय मंत्रियों के नाम इन्होंने बताए हैं और ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी याददाश्त है। ये तो छोटी सी झलक है, ये बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, इनके नाम रिकॉर्ड है, लेकिन इतना वक्त नहीं है हमारे पास और इतना वक्त आप सुन नहीं पाएंगे। लेकिन इन प्रतिभाओं को हम सलाम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये कुछ ऐसा करें कि हमारे देश का गौरव बढ़े। और अब मैं बातचीत करूँगा, अब आपके सामने टैलेंट प्रस्तुत करूँगा तनवीर का। और अब मेरे साथ तनवीर हैं जो जनरल नॉलेज के बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे और सुरेंद्र जी जैसे ही सवाल करेंगे तुरंत उनका जवाब देंगे। तनवीर आइए शुरू करते हैं। तनवीर हम आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब दीजिए। जैसे हमारे देश का क्षेत्रफल 32,83,283 वर्ग किमी, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का कौन सा स्थान सातवां,
चलो हमारे देश के पड़ोसी देश बताओ, जैसे हमारे देश के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, हमारे देश की पूर्वी में म्यांमार और बर्मा, हमारे देश के पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हमारे देश के दक्षिण में श्रीलंका। चलो अब बताओ कंगारू अपने बच्चों को खा रखता है, पेटी बनी थैली में, किस सांप के फन होता है, कोबरा, पत्तियां हरी क्यों होती है, क्लोरोफिल के कारण, पिचू का डंक कहां स्थित है, ऊंट में, बुली में, देखने में किस जंतु की भांति था, हाथी, घड़ी के डायल पर कितने नंबर होते हैं, 12, घड़ी में कितनी सुइयां होती है, 3 घंटा मिनट सेकंड, संसार के सबसे बड़े पुष्प रेल पेशे की गंध कैसी होती है, सेडेमासिसी, किस पौधे की पत्तियां चिपचिपी तथा कांटेदार होती है, विनम फ्लाइटेड, उस एकमात्र सदनधारी का नाम बताइए जोड़ नहीं सकता, चमगादड़, किस नेटवर्क से विभिन्न देशों के कंप्यूटर जुड़े हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर का मिश्रित किसे कहते हैं, सीपीयू को, डॉक्टर द्वारा शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, थर्मामीटर, कच्छ का रण भारतीय किस राज्य में, गुजरात, क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, सचिन तेंदुलकर, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, किस जंतु के दांत नहीं होते, कछुआ, किस पक्षी की आंखें बड़ी होती है, उल्लू, चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा है, अमेरिका, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, चेरापुंजी, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और कौन सा ग्रह इतना हल्का की जल पर तैर सकता है, शनि, कौन सा जीव है जो बिना पैर का भी तेज दौड़ता है, सर्प, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी तरह रोता है, भालू, विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन सा है, चीन, विश्व का सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन, मोनाको, मनुष्य 24 घंटे में कितनी बार सांस लेता है, 21,000 बार, मनुष्य के शरीर में कितना खून पाया जाता है, 6,000 लीटर के बीच, सूर्य की किरण सूर्य से पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचती है, 8 मिनट 22 सेकंड, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 6 तीलियां, और भारत में टेलीफोन सबसे पहले कौन से सन में लगा, सन 1888, विश्व में कुल कितने देश हैं, 206, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206, साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 21 जून, और साल का सबसे छोटा दिन, 22 दिसंबर, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, शाहजहां ने, आगरा का ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां ने, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो आज तक गुलाम नहीं हुआ, नेपाल, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ, मुंबई, भारत में सबसे तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन कौन सी है, शताब्दी एक्सप्रेस, और हमें 4 दिशाओं के नाम बताओ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और राष्ट्रगान गाते समय हमें कितने सेकंड का समय लगना चाहिए, 52 सेकंड, मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के, और मनुष्य के मुंह में सारे दांत कितने होते हैं, 32, पृथ्वी की आकृति कैसी है, नारंगी की तरह गोल है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है, 365 से 4 दिन, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, और हमारा देश किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया। चलो भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चली, कोलकाता 21 अक्टूबर 1984, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, सन 1935, भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के प्रथम भूग्रह का नाम क्या है, एथल, और उसके बाद महाभारत के युद्ध को किसने दिव्य दृष्टि से देखा, संजय ने, भारतीय में कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं, कृष्णा नदी, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, कश्मीर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, भारत की पहली तेल शोधन शाला कहाँ बनी थी, बेंगलोर, चाणक्य किसके दरबार के मंत्री, चंद्रगुप्ता, राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी, 35 वर्ष, शिवाजी की माँ का क्या नाम था, जीजाबाई, और महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय सहिता, प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ, गोलकुंडा के खान से, संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते, फ्रांस, किस कर से भारत में सुरती लाभ होता है, आबकारी, वह कौन सा सांप है जो 1 क्विंटल ज्यादा भारी होता है, अजगर, वह कौन सा जीव है जो अपने आंसुओं के कारण प्रसिद्ध है, घड़ियाल, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ कपड़े पर अफाड़ छपते हैं, विश्व की कौन सी मुर्गी 2 किलो का अंडा देती है, शुतुरमुर्ग, और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से किस युद्ध में पराजित हुए, तराइन के युद्ध में, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उद्यान कौन सा है, गोदान, भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, साहिवाल, टिट्टागढ़ किस उद्योग के लिए विख्यात है, कागज, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां आजादी के बाद अभी तक कोई हत्या नहीं हुई, सिक्किम, विश्व की सबसे लंबी बस कहां पाई जाती है, अमेरिका, चंद्रपुट, सबसे जहरीला सांप कौन सा है, कोबरा, वह कौन सा जीव है जो सिर कट जाने पर हफ्तों भर जीवित रहता है, कॉकरोच, वह कौन सा जीव है जो अपने वजन से 50 गुना अधिक भार उठाता है, चींटी, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है, पोलो, विश्व में ऐसी कौन सी जगह है जहां सूर्य हरा दिखाई देता है, अंटार्कटिका, कौन सी मछली पानी के बाहर कई दिनों तक जीवित रहती है, ऐसे की मेंढक मछली, कौन सा वृक्ष है जिसमें लकड़ी नहीं होती, केले का पेड़, ऐसा कौन सा फल है जिसके ऊपर छिलका नहीं, काटो तो बीज नहीं, शहतूत, ऐसा कौन सा जानवर है जिसे हर वस्तु दुगुनी बड़ी दिखाई देती है, हाथी, घोंसला बनाने वाला सर्प कौन सा है, किंग कोबरा, ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल पुरुष ही रहते हैं, वेटिकन सिटी, 1000 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है, अफगानिस्तान, क्या बात है, बहुत सारे सवाल, मैं समझता हूँ 25% सवाल इनसे किए गए हैं, हजारों सवालों के जवाब फटाफट दे सकते हैं, कमाल का जनरल नॉलेज है। और अब मैं छोटे उस्ताद से बातचीत करूंगा जो सबसे साइड में आप देख रहे हैं बैठे हैं, जिनका नाम है गौरव, और निश्चित रूप से बताएंगे कि ये गौरव क्यों हैं, और गौरव हमें बताएंगे कि राजस्थान के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों के नाम क्या हैं, और अभी सुरेंद्र जी पूछेंगे डिपार्टमेंट और इसके जवाब देंगे गौरव जी। सुरेंद्र जी आप सवाल शुरू करें।
शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री अर्जुन बामनिया, उच्च शिक्षा कृषि मंत्री भंवर सिंह भाटी, वन पर्यावरण मंत्री रावेश नोई, युवा खेल परिवहन सैनिक मंत्री अशोक चांदना, श्रमिक विभाग इंदिरा गांधी नहर मंत्री टिकाराम जिली, गृह रक्षा कृषि पशुपालन मंत्री धनलाल जाटव, जनशक्ति स्टेट मोटर राजेंद्र यादव, शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सुभाष गर्ग, राजस्व उपनिवेश कृषि मंत्री हरी चौधरी, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा, सहकारिता इंदिरा गांधी नहर मंत्री उदयलाल आजरा, परिवहन सैनिक कल्याण मंत्री तुलसी खत्रीवास, अल्पसंख्यक जन अभियोग मंत्री सलेम मोहम्मद, स्वायत्त शासन नगरीय मंत्री शांति धारीवाल, उद्योग और राजगृह उप मंत्री पसादिला मीणा, ऊर्जा भूजल कलाधन स्वास्थ्य मंत्री पीडी कला, सामाजिक न्याय मंत्री मैट मोला मेघवाल, कृषि पशुपालन मंत्री लाल सिंह कटोरिया, पर्यटन देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, खान गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भैया, अभी सो काजू बाजे से मान लीजिए ताजमहल भारत, चीन की दीवार चीन, क्रशदारी डीमर ब्राजील, माचू पिचू पेरू, पेट्रा जार्डन, चितेन इज्जा मेक्सिको, कोलोसियम रोम, गीजा के पिरामिड मिस्र। अब विश्व के जो अजूबे जहाँ जहाँ स्थित है उन देशों के नाम भी इन्होंने बता दिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये परिवार हमारे राजस्थान का गौरव बनेगा और बहुत सारे कीर्तिमान इनके नाम स्थापित होंगे। YouTube के माध्यम से हमने एक छुपी हुई प्रतिभाशाली परिवार का परिचय आपसे करवाया है, और अब हम पुणे सुरेंद्र जी कटेवा से बातचीत करेंगे। अब मैं पुणे सुरेंद्र जी कटेवा से बातचीत करूँगा। हमारे साथ भगवती प्रसाद जी भी हैं और जेठाराम जी जिनके ताऊजी हैं ये भी हैं, और निश्चित रूप से सुरेंद्र जी कटेवा हमारे लिए गौरव हैं जो इतनी ज़बरदस्त याददाश्त रखते हैं। दिमाग निश्चित रूप से कंप्यूटर से भी तेज चलता है, और आज जो बताएंगे वो हम खुद सुरेंद्र जी से पूछेंगे। और 80 सेकंड में हमें सुरेंद्र जी आज क्या बताने वाले, 80 सेकंड में कौन सा रिकॉर्ड बताएंगे? हम विश्व के 206 देश है जो 80 सेकंड के अंदर अंदर बता देंगे। तो मैं समय शुरू करता हूँ, सुरेंद्र जी शुरू करें। अगोला, अजरबैजान, निकोबार, बारमूडा, अंडोरा, अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, अल्बानिया, आइसलैंड, आयरलैंड, आर्मेनिया, इजराइल, इटली, इंडोनेशिया, इथियोपिया, इराक, इरीत्रिया, इक्वाडोर, ईरान, उज्बेकिस्तान, उत्तर कोरिया, उरुग्वे, एल सल्वाडोर, एस्टोनिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, कजाकिस्तान, कतर, कनाडा, कंबोडिया, गगोंडा, जगह, गोलोत्राती, किरीबाती, किर्गिजस्तान, केनिया, कुवैत, कैमरन, केप्रूत, कोदिवारी, अधिकारी, कोजेज, फ्रांस, कोमोरोस, कोलंबिया, कोस्टारिका, क्यूबा, क्रोएशिया, गामिबिया, गिनी, गिनी बिसाउ, गयाना, गबोन, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, घाना, चेड, चिली, चीनी, जनवाच, गणराज्य, जमैका, जर्मनी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जापान, जिबाउती, जॉर्जिया, जॉर्डन, टोंगा, टोगो, टूनिशिया, डेनमार्क, डोमिनिका, डोमिनिका गणराज्य, तंजानिया, अधिकारी, तंजानिया, प्रशासन, ताइवान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, टुआलू, त्रिनिदाद, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यायिक, दक्षिण मोरा, स्वादानिक, दक्षिण प्रशासनिक, दक्षिण कोरिया, दक्षिण सुदान, नाइजर, नाइजीरिया, नाउरू, नामीबिया, निकारागुआ, नीदरलैंड, अधिकारी, नीदरलैंड, प्रशासनिक, नेपाल, नार्वे, न्यूजीलैंड, पनामा, पेरागुए, पलाऊ, पाकिस्तान, न्यू पापुआ गिनी, पुर्तगाल, पूर्वी तिमूर, पेरू, पोलैंड, फिजी, फिनलैंड, फिलीपींस, फ्रांस, बहरीन, बहमास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बुरुंडी, बुर्किना फासो, बुल्गारिया, बेनिन, अधिकारी, बेनिन, प्रशासनिक, बेलारूस, बेल्जियम, बोस्निया, बोत्सवाना, बोलिविया, अधिकारी, बोलिविया, प्रशासनिक, ब्राजील, ब्रुग्रेई, भारत, भूटान, गिनी, मंगोलिया, मध्य अफ्रीकी, मलावी, मलेशिया, अधिकारी, मलेशिया, प्रशासनिक, माइक्रोनेशिया, मार्शल, मालदीव, माली, माल्टा, मिस्र, मेकिस, मेडागास्कर, मेसिडोनिया, मारितानिया, मॉरिशस, माल्डोवा, मोजाम्बिक, मोंटेनेग्रो, मोनाको, मोरक्को, म्यांमार, यमन, युगांडा, यूक्रेन, यूनान, रवांडा, रूस, रोमानिया, लक्जमबर्ग, लाइबेरिया, लाओस, लातविया, लिखटेनश्टाइन, लिथुआनिया, लीबिया, लेबनान, लेसोथो, वनुआटु, वियतनाम, वेनेजुएला, वेटिकन नगर, श्रीलंका, अधिकारी, श्रीलंका, प्रशासनिक, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य, सऊदी अरब, सेंट किट्स, सेंट समोआ, सर्बिया, साइप्रस, साउ टोम, सान मारिनो, सिंगापुर, शियालान, सीरिया, सुडान, सुरीनाम, सेनेगल, सेशेल्स, सोमालिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्वाज़ीलैंड, स्वीडनिक, स्वाज़ीलैंड, प्रशासनिक, स्पेन और स्विट्जरलैंड, स्वीडन, हंगरी, हेली, होंडुरस। थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि 80 सेकंड लगे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि 80 सेकंड से कम लगे हैं। वो टाइम आप अपने मोबाइल पर देखें, लेकिन निश्चित रूप से ये अविश्वसनीय असाधारण प्रतिभा है जो निश्चित रूप से लोग देखकर चौंक रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या इतना तेज़ दिमाग किसका का हो सकता है। और तभी तो कहता हूँ हमारे देश में जो प्रतिभाएँ हैं वो गाँव में छुपी हुई हैं, जिन तक लोग पहुँच ही नहीं पाते, लेकिन हमने खोजा सुरेंद्र जी कटेवा और उनके बच्चों के दिमाग को। और निश्चित रूप से हमें गर्व है कि किसान का बेटा इतना दिमाग तेज़ सार्फ दिमाग रखता है। मैं जानना चाहूँगा सर, कितना अच्छा लगता है जब इस तरह की प्रतिभा आप देखते हैं आपके पड़ोस में? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी हमारे को, और हम इसे जानते हैं, बचपन से जानते हैं। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं था तब से इसे जानते हैं, और बहुत मेहनत करके अपने आप में ये अपने आप अपनी बलबूते पर। मैंने ये भी सुना है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ते हैं, हर कब मुद्दे पर आगे खड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं मुद्दे पर आते हैं। कई बार मेरा भी काम पड़ा है तो मेरा साथ दिया इसने। बिल्कुल। जयराम जी, आपसे सवाल करना चाहूँगा, कितना प्राउड होता है अपने बेटे पर? बच्चा जब अच्छा करते हैं तो बढ़िया लगता है, जब बच्चे को कोई चीज़ होती है हर इंसान को ये अच्छा ही लगता है। सुरेंद्र जी कटेवा अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी और बच्चों के साथ आप देख रहे हैं, और साथ में बहन भांजे सभी हैं, सबके प्रति बहुत सम्मान का भाव रखते हैं सुरेंद्र जी, अपने मित्रों से, अपने परिजनों से, पड़ोसियों से। एक आदर्श व्यक्तित्व है सुरेंद्र जी कटेवा। सुरेंद्र जी कटेवा इस समय अपने परिवार के साथ मेरे साथ हैं, और इन्होंने एक बड़ी बात मुझे बताई है, वो मैं आपके सामने रिपीट करना चाहूँगा। आपका
एक लक्ष्य है कि जिस तरह से मैंने अपने बच्चों को तैयार किया है, मैं और बच्चों को भी इस तरह से तैयार करूं ताकि वो किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए तैयार हो सकें। हम खुद सुरेंद्र जी से पूछेंगे, वो उनका क्या प्लान है। सुरेंद्र जी बताइए। सर मैं ना 20 बच्चों की अच्छी तैयारी करवानी चाहता हूँ, चाहे वो मैं बच्चे चाहे कौन से भी राज्य के क्यों ना हो, और बहुत गजब की तैयारी करवाना चाहता हूँ। ये मेरा टारगेट है, और मेरा टारगेट ये है कि जो मेरे बच्चे की तैयारी चल रही है ना, उससे कई गुना बेहतर अन्य की करूँ। अपनों के लिए तो सारे ही करते हैं, कुछ दूसरों के लिए करे, और बच्चों को ऐसी तैयारी करवा के कि वो अपने गांव जाए तो उसको दुनिया देखे कि ये लड़का कहाँ जाके आया है। ये बात है सर। तो ये प्रोग्राम आप कब करना चाहते हैं, परीक्षाओं के बाद में? परीक्षाओं बाद में, चाहे छुट्टी में भी मैं तैयारी करवा सकता हूँ, मैं मेरे पास भी रख सकता हूँ। और संपर्क करने के लिए मेरे नंबर है 9929531634। नंबर आपको पुनः बता दूँ, 9929531634। सुरेंद्र जी ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर बता दिए हैं और आप कॉल कर सकते हैं। और इसके लिए कोई आपने मानदंड रखा है कि किस तरह की प्रतिभा बच्चे में होनी चाहिए, या क्योंकि सेलेक्ट कैसे करेंगे? बहुत हज़ारों बच्चे चाहेंगे कि आपसे कुछ सीखें। हाँ, हज़ारों बच्चे चाहेंगे सीखे, लेकिन मैं बच्चों को मेरे पास यहाँ रख के और तैयारी राइटिंग है और पास में बैठ के उनको पढ़ाऊँगा और दौड़ करवाऊँगा, क्रिकेट भी खिलाऊँगा और शाम को न्यूज़ भी दिखाऊँगा और हर जगह उसको फिजिकली फिट रखूँगा। आप सुन रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां करवाएंगे। अब अगले प्रोग्राम में हम बताएंगे कि उसके लिए मानदंड क्या होंगे, किस तरह के बच्चों को इस कार्य के लिए वो सेलेक्ट करेंगे।